साथियों, आज देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही है, नए अवसर दे रही है। नई समाज के लोग कमजोर है, न इनका इतिहास कमजोर है। एक से एक महान विभूतियां समाज के इन वर्गों से निकल कर आई है। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में असाधारण भूमिका निभाई है, इसलिए आज देश इनकी विरासत को भी गर्व के साथ सहेज रहा है। बनारस में संत रविदास जी की जन्मस्थली पर मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया। मुझे खुद उस कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य मिला। यहां भोपाल के गोविंदपुरा में जो ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, उसका नाम भी संत रविदास के नाम पर रखा गया है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों को भी पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का जिम्मा हमने उठाया है। इसी तरह आज देश के कई राज्यों में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को अमर करने के लिए म्यूजियम बन रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को देश ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की है। मध्य प्रदेश में भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गौंड समाज की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। पातालपानी स्टेशन का नाम टंटिया मामा के नाम पर किया है। आज पहली बार देश में दलित, पिछड़ा और आदिवासी परंपरा को वो सम्मान मिल रहा है जिसके ये समाज के लोग हकदार थे। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। मुझे भरोसा है देश की इस यात्रा में संत रविदास की शिक्षाएं हम सब देशवासियों को एकजुट करती रहेगी। हम साथ मिलकर बिना रुके भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे।